वाराणसी के आदमपुर में बुनकर मुश्ताक के घर हुई भीषण चोरी। चोरों ने कमरे का ताला खोलकर अलमारी में रखे रुपए व जेवरात भी उड़ा ले गए। चोरी की जानकारी उस समय हुई जब बुनकर की पत्नी कमरे में गई और अलमारी खोली तो देखी उसमें से सारा सामान गायब था। वाराणसी से पीबीसी रिपोर्टर राजू प्रजापति की ये रिपोर्ट। करीब 10-11 हजार। हमें नाम बता दीजिए अपना। क्या क्या मैम गया ये आपका? मेरा उसमें करीब 6-7 लाख का गहना था मेरा, सोना चांदी सब मिलाकर। अच्छा। सोना ज़्यादा था। अच्छा। और करीब 10-11 हजार रुपये कैश था। अच्छा, कैश। तो ये कब की घटना है मैम? कल रात में जो हुआ, सुबह हम जब देखा है, खोला है अलमारी के पैसा निकालने। अच्छा। खर्च का पैसा इसमें रखते हैं। अच्छा। 10-11 हजार रुपया वो था, पर्स में भी था, इसमें भी था। इस मकान में कोई सोया नहीं था? इस कमरे में नहीं थे कोई। कोई नहीं था? उधर बेडरूम में हम सोए थे। अच्छा। ये भी थे और सभी बच्चे मेरे उधर के कमरे में सोते हैं। अच्छा। ये छत के रास्ते से आए कि कुछ अंदाजा आपको लग गया? नीचे के जरिए, नीचे जो सीढ़ी चढ़ते हैं तो वहाँ पे बरामदा है ना, मुझे अंदाजा कि वहीं पे से चढ़ के आए। बाहर का ताला बंद था? ताला बंद था। अच्छा। इसके कहीं आपने FIR अभी दर्ज कराई? जी, FIR दर्ज कराए हैं। कोई आया यहाँ पर जांच के लिए? हाँ, पुलिस वाले आए थे। ठीक है, ओके। पड़ेगा रुखसाना रिजवाना। अच्छा, कब आपको जानकारी हुआ? सुबह 9 बजे बोला है अलमारी को देखने के लिए खुला हुआ था। अच्छा, तो लाकर का ताला टूटा हुआ है कि चाबी लगा के खोला है? अलमारी का, अलमारी खुली रहती है आपकी? अच्छा, चाबी अलमारी को बंद, तो उसी चाबी से उसने खोला। ये कमरा बंद रहता है, खुला रहता है आपका? अच्छा, इस कमरे में कोई रहता है कि नहीं? कमरे में बच्चे सोते हैं।